आपकी क्या राय उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं नहीं आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे, और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैं मतलब मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला। तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपने, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी, मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वांच कराएंगे उस पर असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले, इतना बड़ा मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं, चले ही नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए ये क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे सब? मेरे सामने नहीं आई, अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वॉज बिटवीन CRP एंड होम मिनिस्ट्री, लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे मतलब इतना एक्सप्लोसिव लिए कैसे मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड, और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए CRP का तब जाना, ब्लॉक कर। कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहाँ गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं तो जब हम कहीं पहले पहुँचते हैं कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहाँ गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये, तो बोला नहीं नहीं इस पर आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी, कुछ भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चुअली साइट से निकले, पुलवामा से। तो मुझे ये लग रहा था कि जो आपने बोला कि ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहाँ से आ गया, कैसे आया,
वो मेरे क्वेश्चन, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, सारा पाकिस्तान से आया था, बट इतना 600-300 किलो, हाँ, ये बॉर्डर तो हमारा पोरस है और ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी, जो गाड़ी चला रहा था उसका भी मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था, दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। अच्छा, तो उन पर कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की।